हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे विचार करेंगे और उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये प्रीवियस ईयर का ही अभी प्रश्न है, क्वेश्चन है, और ये नॉर्मली पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का ही, इसीलिए उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जो भी बीएड सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अधूरी नॉलेज अच्छी नहीं होती है। तो अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है तो आधा देखिएगा तो आधा ही तो नॉलेज होगा, इसीलिए पूरा देखिए कि पूरा समझ में आए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं, आखिर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्ञानों का समावेशन विद्यालय पाठ्यचर्या में होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि ज्ञानों का समावेशन, देखिए हमारा एक कोर्स क्या है, कोर्स 8 है, और कोर्स 8 का आप लोगों को तो पता ही है, नाम ही है नॉलेज एंड करिकुलम। तो जाहिर सी बात है कि जो भी क्वेश्चन बनेगा वो नॉलेज के बारे में पूछेगा या करिकुलम के बारे में पूछेगा। तो आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसे इस वीडियो के पूरा हो जाने पर हमारा जो कोर्स 8 है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद से जो भी मैं वीडियो डालूँगी कोर्स 9 का, कोर्स 9 भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग उसका नाम है, कोर्स 9 है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको पता होना चाहिए, सीटेट में बहुत क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ने वाला है, चूँकि बीएड में भी पढ़ लेंगे लोग और उसके बाद से सीटेट में भी हमारा हेल्प मिल जाएगा। लेकिन आज देखिए, आज ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा कोर्स 8। और मैंने कि 12-13 क्वेश्चन में मैंने कोर्स 8 को समावेश कर लिया है, यानी समाहित कर लिया है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, किस प्रकार के ज्ञानों का समावेशन विद्यालय पाठ्यचर्या में होता है। जैसे मानिए कि एक नॉलेज एंड करिकुलम जो बुक है कितना मोटा है, जैसे पढ़िएगा लो तो मतलब 65 या 70 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और मैंने बस 12-13 क्वेश्चन में कोर्स 8 को क्या किया है, समावेशन कर लिया है, यानी नॉलेज एंड करिकुलम को समावेशन कर लिया। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन को समझने वाला है कि जैसे ज्ञानों का समावेशन, मैंने जितने भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान दिए हैं, चाहे प्लूटो ने अपना ज्ञान का वर्गीकरण किया है, चाहे शंकराचार्य किए हैं, मतलब जितने मनोवैज्ञानिक हैं या विद्वान लोग हैं, जो भी अपने अपने अनुसार ज्ञानों को क्या किया है, परिभाषित किया है, तो इसमें पूछा जा रहा है ज्ञानों का जो समावेशन है, जो विभिन्न प्रकार के ज्ञानों का जो समावेशन है विद्यालय पाठ्यचर्या में होता है। तो आखिर विद्यालय का जो करिकुलम है, तो विद्यालय हम लोग जाते हैं तो ज्ञान ही तो हासिल करते हैं, तो किस प्रकार के ज्ञानों का समावेशन विद्यालय में किया गया, यही क्वेश्चन का पूछने का क्या है नज़रिया है। तो इसमें देखिए प्रस्तावना में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, विद्यालय ज्ञान के संगठन का तात्पर्य उन विभिन्न क्रियाकलापों के संगठन से है जिसमें अधिगम के संपूर्ण अनुभव शामिल होते हैं। देखिए विद्यालय में जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो विद्यालय में ज्ञान किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, टीचर के द्वारा, ठीक है। टीचर जो ज्ञान प्रदान करेंगे कैसे करेंगे, पाठ्य पुस्तक के द्वारा, ओके। अब कुछ अपना अनुभव भी बताते हैं और साथ ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी विद्यालय में कराई जाती है, ठीक है। मैंने मानी कि जहाँ का जैसा जो कल्चर है वो चीज़ क्या किया जाता है, वहाँ पे किसी खास ओकेजन पे किया जाता है, जैसे मैंने कहा हम लोग क्या यहाँ मतलब 5 सितंबर मनाया जाता है, तो उस दिन नाटक वगैरह होता है ना, तो उसमें बच्चे क्या हो अपने अपने कला दिखाते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार इसमें मतलब पढ़ना है, विद्यालय ज्ञान के संगठन क्रियाकलापों के संगठन से, देखिए विद्यालय जो ज्ञान है तो उसके संगठन का तात्पर्य उन विभिन्न क्रियाकलापों से है, माने वो जो भी एक्टिविटी होती है उसके एक संगठन से है, ऑर्गेनाइजेशन से है, जिसमें अधिगम के संपूर्ण अनुभव शामिल होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे विद्यालय का जो ज्ञान होता है उसमें जो भी ज्ञान का समावेशन किया जाता है, उसमें बच्चों को क्या किया जाता है, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, बच्चों को केवल उसके मतलब किताबी कीड़ा ही नहीं बनाना है,
बल्कि एक टीचर को उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी सिखाना है कि मतलब ऐसा हो उसका मतलब पढ़ाई लिखाई जो उसके आगामी जीवन में उपयोगी हो, उसके फ्यूचर के लिए क्या हो, उपयोगी हो, ठीक है, जिसमें अधिगम के संपूर्ण, उसमें संपूर्ण अनुभव शामिल होते हैं, ठीक है, लर्निंग के पूरे अनुभव भी शामिल होते हैं। इसमें पाठ्यचर्या अध्ययन की विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षकों एवं छात्रों की विशेषताएँ, शिक्षक एवं शिक्षक शिक्षक के मध्य होने वाली अंतर क्रियाएँ, वातावरण, टेक्स्ट बुक आदि शामिल है। देखिए तो विद्यालय ज्ञान में क्या क्या मतलब शामिल होता है, देखिए स्टूडेंट और टीचर के बीच जो अंतःक्रियाएँ होती है, जो इंटरेक्शन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको पाठ्य पुस्तक द्वारा टीचर पढ़ाते हैं, चाहे बच्चे को पढ़ने में सहूलियत होती है, ये भी शामिल होता है। फिर उसके बाद से टीचर के कुछ अनुभव होते हैं, और उसके बाद से पाठ्यचर्या में क्या होता है, अध्ययन की विषय वस्तु जो होती है वो भी होती है। फिर से टीचिंग मेथड होता है कि भाई एक टीचर है तो पढ़ाने के लिए वो क्या, किस टाइप का टीचिंग मेथड का मतलब यूज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक विद्यालय ज्ञान के समावेशन में क्या होती है, सारी चीज़ें का समावेशन होता है। साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, देखिए इसके साथ ही कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाएँ भी होती है जिसमें आते हैं, जैसे खेलकूद हो गया, प्रतियोगिता हो गया, नाटक हो गया, विभिन्न धार्मिक एवं राष्ट्रीय उत्सवों का अवलोकन हो गया आदि सभी शामिल है। देखिए हमारे देश में माने कि एक पर्व होता है, ठीक है, जैसे दिवाली हो गया, त्यौहार हो गया, फिर आपको जैसे माने कि ईद हो गया, फिर आपको क्रिसमस डे हो गया, फिर इसके अलावा आपको नेशनल फेस्टिवल है, गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, तो इसके अलावा भी क्या किया जाता है, जहाँ की जैसी कल्चर होता है वैसा वहाँ का नाटक भी करवाया जाता है, ठीक है, विभिन्न धार्मिक राष्ट्रीय उत्सव का भी अवलोकन किया जाता है आदि सारी चीज़ें शामिल होते हैं। अब देखिए होली आता है तो टीचर कैसे बोलते हैं कि भाई क्या करो बच्चों, होली पे ऐसे लिखो, ठीक है, चाहे मानिए कि 2 अक्टूबर आएगा तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखो, 14 नवंबर आएगा तो कुछ नेहरू जी के बारे में लिखो, तो इससे क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, उसका प्रेजेंस ऑफ जो माइंड होता है तो उसे पता चलेगा कि क्या है, किस टाइप का बच्चे के पास क्या है, दिमाग है, कितना वो यूज कर रहा है। तो दिमाग है तो कहा जाता है कि इसको जितना घिसा जाएगा उतना ही अच्छा है, जैसे मानिए कि कहावत नहीं है कि रसरी जो है, पहले जो कुआं तालाब से पानी निकाला जाता था तो रसरी का क्या होता था, उस पर दाग, पत्थर जैसे कठोर चीज़ पे एक सॉफ्ट मतलब रस्सी से दाग पड़ जाता था, ठीक है, तो ये दिमाग कैसी चीज़ है कि हम अपने मेहनत द्वारा इस पर हम मतलब कोई साइन ना दे दे, ठीक है, तो क्या होता है, इस दिमाग को जितना फास्ट बनाया जाएगा, जितना जोर दिया जाएगा उतना ही ठीक है, वरना क्या होगा, आलसी हो जाएगा। तो जो ज्ञान विद्यालयों में दिया जाता है उसे छात्रों की आवश्यकता और रुचियों को ध्यान में रखकर, छात्रों के जीवन वातावरण के स्वरूप को समझकर और उन सिद्धांतों एवं धारणाओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है। देखिए अगर जो भी ज्ञान दिया जा रहा है तो कैसे ज्ञान दिया जाएगा, वो ज्ञान दिया जाएगा कि बच्चा को उसमें रुचि है कि नहीं, बच्चा उसमें योग्य है कि नहीं, जैसी योग्यता है उसी टाइप का तो उसको ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पहला क्लास का कोई बच्चा है तो 8 क्लास के मतलब टाइप का ज्ञान उसको आप नहीं ना दीजिएगा तो क्या कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो छात्रों के जीवन वातावरण के स्वरूप को समझ कर और उन सिद्धांतों एवं धारणाओं को ध्यान में रख कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे वांछित उद्देश्य पूरा हो सके, जिससे क्या होता है, उद्देश्य पूरा हो सके, ठीक है। विद्यालय पाठ्यचर्या में व्यक्तिगत छात्रों की उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके जिनसे वे स्वतंत्रता पूर्वक विकास कर सके। देखिए विद्यालय में छात्रों को वही ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे बच्चे की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो और उनका स्वतंत्रता का भी हनन न हो, उनका विकास भी हो सके एवं कर्मिक रूप से अपनी जन्मजात क्षमताओं को वास्तविकता में बदल सके और उनका जो जन्मजात जो उनमें क्षमता है वो भी क्या हो सके, उसका भी डेवलपमेंट हो सके। तो इन बातों को मतलब करिकुलम निर्माता को भी ध्यान रखना पड़ता है कि करिकुलम कैसा तैयार होना चाहिए कि बच्चों को डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाए, और साथ ही टीचर को भी ध्यान रखना पड़ता है कि टीचिंग मेथड भी ऐसी अपनाई जाए जिससे बच्चों को क्या हो, बच्चा को उसका मतलब
विकास हो सके। ठीक है, अब ऐसा करिकुलम ना बना दिया जाए, चाहे बच्चों चाहे टीचर को ऐसा टीचिंग मेथड ना अपनाया जाए जिससे क्या हो, जिससे बच्चों को नीरस फील हो, उनको पढ़ने का मन नहीं करे। तो आजकल देख रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि भाई जो कुछ है बच्चा है, बच्चा भगवान है। ठीक है, जो कुछ होना चाहिए ज्ञान देना चाहिए बच्चों को, बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ समझेंगे, और ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि जो कुछ उसमें वास्तविकता है, जो भी उसमें जन्मजात क्षमता है, उसको वास्तविक जीवन में भी क्या कर सके, उपयोग कर सके। विद्यालय में ज्ञान को देखिए, विद्यालय में जो ज्ञान होता है उसका संगठन एक चल देखिए एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। देखिए, ज्ञान जो भी दिया जाता है क्या होता है, वो चलने वाली प्रक्रिया, स्थिर रहने वाली नहीं है। अब देखिए, नदी का जो जल होता है बहता हुआ जल होता है, और जो पोखर का जल होता है तालाब का, एक जगह स्थिर रहता है। तो उसी प्रकार जो विद्यालय का ज्ञान होता है क्या होता है, रनिंग होता है, चलने वाला होता है, यानी स्थिर वाला नहीं होता है। जैसे जैसे ज्ञान में विस्तार होता है, विद्यालय में दिया जा रहा है ज्ञान के कई क्षेत्र का पता चलता रहता है। देखिए, जैसे जैसे विद्यालय में ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान का क्या होता है, विस्तार होता रहता है, और ज्ञान के अनेक एरिया के बारे में भी पता चलता है। अब देखिए, तकनीकी विकास द्वारा भी निरंतर अधिक से अधिक तथ्य, संप्रदाय एवं सूचना सामान्य जन तक पहुंचती रहती है। देखिए, आजकल जो टेक्नोलॉजी है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी है क्या। तो जो नवीन, मतलब नवीन हमारा जो ज्ञान है ना, किसी भी चीज़ को जब हम इम्पोर्टेंट बना दे रहे हैं, किससे बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, तो नवीन ज्ञान ही तो टेक्नोलॉजी हुई जो, बताइए, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट बना दे रही है। और मानिए कि पानी है नदी का, ऐसे ही बिना मतलब का बह रहा है, और उसी से क्या अपन बिजली उत्पन्न कर दिया गया, तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी ही तो उसको और इम्पोर्टेंट बना दिया। जल तो जीवन है ही, लेकिन जब उसे बिजली उत्पादन होने लगता है तो उसका इम्पोर्टेंट और चार गुना बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, वो है हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक तथ्य, देखिए उसमें फैक्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जो मतलब विद्यालय का जो ज्ञान होता है, और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो जन जन तक पहुंचती रहती है, उससे क्या होता है, जन जन तक ज्ञान जाता है। तभी तो जो अमीर है गरीब है सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या हो, स्कूल जाएं। अतः संस्थाएँ भी बीच बीच में विद्यालयों में दिए जा रहे ज्ञान की समीक्षा करती रहती है, और जो इंस्टीट्यूट होते हैं, संस्थाएँ होती है, वो भी देखती रहती है कि भाई ये जो प्रोग्राम चल रहा है एजुकेशन का, ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए भी मतलब क्या होता है, उसका जांच पड़ताल चलता रहता है, और उसे सुधारने हेतु नए विकास का प्रयोग करती रहती है, और नए विकास भी उसका होता रहता है। भारत में NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद समय समय पर स्कूली पाठ्यचर्या का विकास करती रहती है। देखिए, NCERT के बारे में तो और कोई जानता है, और सभी सुने हैं, और मैंने कि अब BEd के बाद आप लोग CTET का एग्ज़ाम दीजिएगा तो NCERT कौन नहीं जानता है भाई, NCERT तो पढ़ना ही पड़ेगा एनी हो, चूँकि CTET है, NCERT से एक क्वेश्चन अलग नहीं आता है। ठीक है, जो कुछ पूछेगा NCERT से ही आता है। ठीक है, वहीं UPTET में जाइए तो वो अलग इधर उधर भी पूछता है, लेकिन मतलब अपने चादर से बाहर भी टांग अड़ा देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये अपने एरिया से बाहर नहीं जाता है। तो देखिए, NCERT है ना, बहुत ही बेस्ट है, और ये हमेशा क्या करती है, एजुकेशन में कुछ ना कुछ सुधार होता रहे तो ये हमेशा इस पर ध्यान देती है। देखिए, भारत में विद्यालय अक्सर अपना पाठ्यक्रम विकसित करते रहते हैं, भारत के तो विद्यालय हैं अपने करिकुलम पर हमेशा ध्यान देते हैं कि भाई करिकुलम एकदम बढ़िया होना चाहिए, बच्चों की रुचि एवं योग्यता के अंतर्गत होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों को बस रटने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि बच्चों को क्या हो, उनकी सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होना चाहिए। सन 1964 से 66 में शिक्षा आयोग अपनी स्वयं का पाठ्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया था। देखिए, 1964 से 1966 में तो आप लोग को पता है कोठारी कमीशन फेमस है। ठीक है, और कोठारी कमीशन आया वो भी क्या था, एक प्रकार का शिक्षा आयोग था, और उन्होंने अपना रिपोर्ट जो पेश किया उसमें भी देखिए त्रिभाषा सूत्र आया, मतलब 1968 में, तो उसमें भी क्या हुआ, मतलब बच्चों को बोला गया कि जो भी बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा मातृभाषा में ही दिया जाए। ठीक है, तो कहने का सेंस कहीं ना कहीं यहाँ बच्चा को ध्यान में दिया, मतलब लिया जा रहा है।
तो अपना स्वयं का पाठ्यक्रम भी विकसित करने का सुझाव दिया। सामान्यतः यह माना जाता है कि पाठ्यचर्य विषय आधारित होती है, तो इस प्रकार जो करिकुलम कैसा होता है, विषय पर आधारित होता है। और मानिए कि जो मैट्रिक का तक का करिकुलम है उसे कौन सा तैयार किया जाएगा, और वही बीएड का है तो बीएड कौन सा किया जाएगा, डीएल है डीएल कौन सा किया जाएगा, मतलब अब डीएल का बीएड की तरह तो नहीं करिकुलम तैयार कर दिया जाएगा, भले मिलता जुलता रहता है। अब डीएड वाला लोग है तो प्राइमरी क्लास तक ही पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए उनका करिकुलम भी उसी लेवल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, विद्यालय पाठ्यचर्या में निम्नलिखित ज्ञानों का समावेशन होता है। देखिए किस किस ज्ञान का समावेशन होता है, उसके पॉइंट पे हम लोग विचार करेंगे। फर्स्ट तो देखिए भाषा है, लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड गणित है, मैथमेटिक्स। थर्ड विज्ञान है, साइंस। फोर्थ सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस। और फिफ्थ है कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन। और कार्य और शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन। तो यहाँ हम लोग समझेंगे बारह बारी से करके, ठीक है, बारी बारी से लाइन बाय लाइन। देखिए पहले भाषा के बारे में समझेंगे। देखिए विद्यालय पाठ्यचर्या में ज्ञान का समावेशन में पहले भाषा पर ध्यान दिया जाता है। देखिए आप लोगों को तो पता होना चाहिए जो भाषा है तो आखिर भाषा क्या है। तो हमारे जो विचारों का आदान प्रदान का जो संप्रेषण होता है वही भाषा होती है। अगर भाषा नहीं रहे तो हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करेंगे, मैंने हम भाषा द्वारा ही तो अपने मन के जो भी विचार चल रहा है, मन में जो भी हलचल चल रहा है उसको हम लोग प्रकट करते हैं। तो भाषा नहीं रहे तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे, तो इसीलिए भाषा जो होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। विद्यालय पाठ्यचर्या में ज्ञान का समावेशन में पहले भाषा पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए देखिए विद्यालय का जो करिकुलम तैयार किया जाता है उसमें भाषा पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। और हम सभी जानते हैं प्राथमिक स्तर पर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा का ही सिफारिश करती है। देखिए और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, 1986 में भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, वो भी क्या करती है, मातृभाषा का ही सिफारिश करती है। चाहे 1968 में आपको शिक्षा आयोग आया था, वो भी त्रिभाषा सूत्र जो दिया गया उसमें भी क्या कहा जाता है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा रखा गया। देखिए तीन भाषाओं को रखा गया, फर्स्ट में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहिए, और सेकेंड में आपको हिंदी, और थर्ड में आपको अंग्रेजी या विदेशी भाषा, ठीक है। इसे लागू करने के लिए अनुशासा की गई ताकि भारत में बहुभाषिता एवं राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार हो सके। देखिए बहुभाषिता पर आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, दो चीज़ों पर देखिए बहुत ज़्यादा हमारे शिक्षाविदों का मतलब पूरा जोर शोर चल रहा है। एक तो आपको समावेशी शिक्षा पे और दूसरा बहुभाषिता पे, मतलब हमारे शिक्षाविदों का कहना है कि बहुभाषिता बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, चूँकि जितने अधिक भाषाओं का जानकार बच्चे होंगे तो उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा, ऐसा शिक्षाविद और साइकोलॉजिस्ट लोग का मानना है, ठीक है। और देखिए ताकि इससे बच्चों की बहुभाषित एवं संचारिक भाषाओं का विकास हो सके। देखिए जब बहुभाषी होगा क्लास, तो देखिए जब सभी प्रकार के सभी भाषा वाले बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, ठीक है, एक दूसरे का भाषा सीखेंगे तो उनके भाषाओं का विकास होगा और उनके विचारों का भी, देखिए जो कम्युनिकेटिव है उसकी योग्यता का भी विकास होगा, है कि नहीं। अब मानिए कि कोई उर्दू सीखा है, कोई हिंदी सीखा है, तो एक जो उर्दू वाले हिंदी को सिखा देंगे, हिंदी वाले उर्दू सीख लेंगे, उर्दू सीख लेंगे और उर्दू वाले हिंदी सीख लेंगे, तो ऐसे क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान हो गया, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हुआ, है कि नहीं। अब सेकेंड में गणित है, मैथमेटिक्स है, इसको समझेंगे। विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित रूपी ज्ञान का भी समावेशन होना चाहिए। देखिए गणित को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, गणित हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। छात्रों में सोचने की योग्यता के विकास, गणितीय तार्किक क्षमता का विकास करने हेतु गणित के शिक्षण की आवश्यकता है। देखिए अगर बच्चे रीजनिंग रूप से सोचे, तार्किक रूप से सोचे, इसके लिए मैथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी तो बच्चे क्रिएटिव होंगे, है कि नहीं, ताकि छात्र अनुमानों का तार्किक निष्कर्ष निकाल सके और अनुमान कर सकेंगे और उसका कंक्लूजन भी निकाल सकेंगे, इसकी सूक्ष्मता का निरीक्षण कर सकेंगे। और छोटा चीज़ को समझना रहता है मैथ में, ठीक है, तो बच्चों का रीजनिंग पावर का भी इससे विकास होता है। गणित रूपी ज्ञान में वस्तुओं को काम करने के तरीके और समस्याओं को सुलझाने एवं अभिवृत्ति के विकास की योग्यता शामिल है। देखिए गणित रूपी जो ज्ञान होती है इसमें वस्तुओं के काम करने के तरीके और समस्याओं को सुलझाने एवं अभिवृत्ति के विकास की योग्यता शामिल है। तो देखिए गणित जो होता है इसका ज्ञान जब प्रदान किया जाता है तो इससे बच्चों को क्या होता है, किसी भी वस्तु को बारीकियों को समझने का
मतलब इस ज्ञान होता है, और समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए इसका भी ज्ञान होता है, क्योंकि मैथ में तो बस समस्या ही तो सुलझाया जाता है ना, तो उसमें तो जो भी है भाई सुलझाना है। अब प्रूफ कीजिए तो क्या है, तो बच्चों का क्या होगा, वास्तविक जीवन में भी समस्याओं सुलझाने में दिक्कत नहीं होगी। और अभिवृत्ति के विकास की योग्यता भी, इसमें क्या होता है उसकी अभिवृत्ति एप्टीट्यूड का भी विकास होता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पढ़ेंगे विज्ञान, विज्ञान साइंस। आखिर साइंस को विद्यालय समावेशन मतलब विद्यालय ज्ञान में क्यों इसका समावेशन करना चाहिए, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए जो साइंस होता है विज्ञान साइंस, साइंस किसका बात करता है, फैक्ट का बात करता है, ठीक है। विज्ञान गत्यात्मक और निरंतर ज्ञान का भंडार है। विज्ञान क्या है, भंडार है, किस टाइप का स्टोर है, डायमेटिक और निरंतर, मतलब कंटिन्यूअस, इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, गतिशील है, यही तो विज्ञान है, जिसमें अनुभव के नए नए क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, इसमें हमेशा नए अनुभव आते हैं। अब बताइए हमारे जो बेंगलोर इसरो में पूरा वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, और वहाँ नासा में बैठे हैं अमेरिका में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात तो कुछ ना कुछ मतलब कर ही रहे हैं लोग, कुछ ना कुछ अपने अनुभव के नए नए क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं लोग, तथा इसके सहयोग से लोगों को गरीबी, अज्ञान, अंधविश्वास के दुष्चक्र से बचाया जा सकता है। अब विज्ञान जितना हमारे समाज में अंधविश्वास फैला था, अज्ञानता फैला था, गरीबी था, ये सारे दुष्चक्र से कौन बचा रहा है, हमारा साइंस ही बचा रहा है। NCF 2005, देखिए NCF 2005 तो सभी जानते हैं इसके बारे में। NCF 2005 प्राथमिक विद्यालय की विज्ञान की पाठ्यचर्या, देखिए NCF 2005 क्या कहता है कि हमारे जो पाठ्यचर्या में करिकुलम में क्या होना चाहिए, हमारे करिकुलम में साइंस का भी क्या होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, और वो भी साइंस का समावेशन किस प्रकार से होना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण का भी उसमें अध्ययन कराया जाए, ठीक है, क्या कराया जाए, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन, कलाकृतियों का अध्ययन शामिल होना चाहिए। देखिए उसमें कलाकृति भी होना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, माने कि आप बच्चों को जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी नेचुरल चीज़ों को अवगत कराना पड़ता है, चाहे आप साइंस भी पढ़ा रहे हैं तो माने कि पौधों के बारे में सिखाना है कि कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है, तो एक पौधे को दिखाइएगा, बच्चों को समझाइएगा, तो वहीं पे बाग बगीचे रहते हैं, ढेर सारे पौधे होते हैं, तो बच्चे को क्या होगा, उसके जहन में ज़्यादा बैठेगा, ज़्यादा समझ आएगा, चूँकि बच्चे सिखाने से नहीं देखने से ज़्यादा सीखते हैं और करके ज़्यादा सीखते हैं। तो बहुत लोग का भी ऐसा कहना है, देखिए कितने लोग अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा गार्डिंग करते हैं, बहुत मारते पीटते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं अरे बच्चा जो देखेगा वही ना करेगा, मैंने देखेगा वही सीखेगा, उसको ज़बरदस्ती अगर सीखना रहता तो रोड पर कोई मतलब सब कोई कलेक्टर ही घूमता, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा क्या हो, कलेक्टर की तैयारी करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे, फोर्थ नंबर सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस के अंतर्गत आपको आता है पॉलिटिकल साइंस आता है, प्लस हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी होता है, तीनों ही सब्जेक्ट देखिए हमारे जीवन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी देखिएगा कोई भी सुसाइड करता है ना, जल्दी जो पढ़ा रहेगा बढ़िया से सोशल साइंस कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इसमें क्या है, जीवन के बारे में सिखाया जाता है, ज़िंदगी के बारे में, ठीक है, ये नहीं कि बस किताब रटवा रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब इसमें प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि मतलब आर्ट ऑफ लाइफ भी सिखाया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का भी विद्यालय पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, है भी, क्योंकि इसके अंतर्गत समाज के विभिन्न पहलू आता है, विभिन्न मतलब पहलू आता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ह्यूमन साइंस आदि विषयों की विषय वस्तु समाज की जाती है। तो बताइए ह्यूमन साइंस है, पूरा ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स है तो आर्थिक मतलब फाइनेंशियल के बारे में पढ़ना है कि भाई, अब पॉलिटिकल है राजनीतिक बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी है तो पूरा आपको नेचर के बारे में पढ़ना है, भूगोल, पृथ्वी के बारे में, ग्रह के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, हिस्ट्री है तो सबकी जीवनियों का जो जिनकी जीवनियों में उपलब्धि है उनके बारे में पढ़ना है। तो समझ लीजिए सोशल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, खैर हर सब्जेक्ट सब जरूरी है हमारे लिए, लेकिन सोशल साइंस अपने में बेमिसाल है। अब आगे देखिए फिफ्थ नंबर, कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन। देखिए आर्ट एजुकेशन का भी पढ़ाई होना चाहिए, ये नहीं कि बस सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, अब बच्चों के हाथ में कोई आर्ट नहीं हो, माने कि बहुत बच्चे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो माने कि कोई आर्ट भी सीखे रहेंगे तो मैट्रिक के बाद अगर उनको पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है तो अपने आर्ट द्वारा भी तो कुछ पैसा कमा सकते हैं और अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, तो आर्ट का भी एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। भारत कला, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक विविधता का जीता जागता उदाहरण। देखिए भारत की कलाकृतियाँ आज से नहीं, ऐसे ही भारत को सोने का चिड़िया नहीं कहा जाता था, ठीक है, वास्तव में
देखिए 1498 से पहले मैंने वास्को डी गामा ने जब समुद्री मार्ग का खोज किया यानी भारत की खोज की, उससे पहले हमारा जो इंडिया था सोने का ही चिड़िया था। इसको सब इसको कौन खा गया, अंग्रेज लगा के पूरा इसको राफ साफ कर दिया, ठीक है। तो उसके पहले बताइए हम लोग क्या का जो मछलीपट्टनम का जो कढ़ाई है, गुजरात की जो कढ़ाई है, या ढाका की एकदम फेमस था, वहाँ का मलमल छीट, यहाँ का छीट इतना फेमस था कि सोचिए जो यहाँ का कॉटन छीट था वो ब्रिटेन की महारानी पहनना पसंद करती थी। इसका देखिए वहाँ के जो व्यापारी थे विरोध भी किए, इसीलिए 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम भी वहाँ के व्यापारियों ने लगाया, कह के वहाँ के जो रानी है चाहे राजा वहाँ के थे तो वहाँ के कहा कि नहीं कि यहाँ पे या वहाँ की बस इंडिया के जो मतलब वहाँ के जो वस्त्र है छीट उसी का डिमांड होगा, सब कोई वही पहनेंगे यहाँ पे, तो फिर हम लोग के कपड़ों का क्या होगा, हम लोग जो उत्पादन कर रहे हैं क्या होगा। अब उस समय तो पता ही यहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, ठीक है, जोरों शोरों से विदेशों में भी वहाँ पे इंग्लैंड में भी ढेर सारी फैक्ट्रियाँ खुल गई थी, फिर भी देखिए यहाँ का कितना फेमस था। तो इसीलिए हमारा जो भारत है कला के क्षेत्र में, धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में, सांस्कृतिक विविधता का जीता जागता उदाहरण है, ठीक है, इसे पूरा विश्व परिचित है। उसमें देश के हर भाग के लोक शास्त्रीय गायन, नृत्य, संगीत, पुतले बनाना, मिट्टी का काम आदि शामिल है। अब हमारे सिंधु सभ्यता में ही देख लीजिए, उस जमाने में सोच लीजिए कितनी खूबसूरत ढंग से मूर्तियों को बनाया गया है। नर्तकी का जो मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो में कितना खूबसूरत है, चाहे उस समय मिट्टी का बैलगाड़ी का खिलौना भी आपको लोथल में मिला है कितना खूबसूरत है, चाहे विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ मिली है कालीबंगा में, चंदुआड़ो में जाइए कितना अच्छा अच्छा ब्यूटी पार्लर का पूरा सामान मिला है। तो आप सोचिए कितना डेवलप था उस टाइम में, आज से बताइए 4700 पहले, 4700 साल पहले कितना डेवलप था। तो इसको खोखला कौन बनाया, अंग्रेजों ने बना दिया, अंग्रेज आए उसके बाद से मुस्लिम अटैक होने लगा, मानिए कि वो आया मतलब वो कुछ बचा खुचा लास्ट में बचा था तो ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह, वो भी आके लूट घसोट के पूरा मयूर सिंहासन सब लेते गया, ठीक है। तो कहने का सेंस है ये जो भी अटैक किए सब कोई लूट के ले गया, कोई देश पे राज करके लूटा, लेकिन सबने तो लूटा। अतः दृश्य और प्रदर्शन, विजुअल एंड परफॉर्मिंग दोनों ही कलाओं को पाठ्यचर्या में शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारे करिकुलम में क्या होना चाहिए, मतलब दृश्य भी होना चाहिए, प्रदर्शन भी होना चाहिए, कलाओं का भी समावेशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए NCF फिर देखिए क्या कह रहा है, NCF 2005 कला की पाठ्यचर्या द्वारा विद्यार्थियों का देश की विविध कलात्मक परंपराओं से परिचय करवाना चाहिए। देखिए इसका समर्थक कौन है, इसका समर्थक NCF भी है। देखिए NCF 2005 है, उसका भी यही मानना है कि हमारे देश की जो भी कलाकृतियाँ है, जो भी संस्कृतियाँ है, जो भी नाच गान है, उसको भी क्या करना चाहिए, कला की पाठ्यचर्या द्वारा विद्यार्थियों को देश की विविध कलात्मक परंपराओं से क्या होना चाहिए, परिचय करवाना चाहिए। माने कि हमारे बिहार की मधुबनी पेंटिंग है कितनी फेमस है, उसी तरह दक्षिण भारत की भी बहुत चीज़ें हैं जो फेमस है, तो इसको भी क्या करना चाहिए, करिकुलम में शामिल करना चाहिए, ठीक है। कला के अंतर्गत संगीत, नृत्य, दृश्य कला, नाटक चारों शामिल किया जाना चाहिए। तो आर्ट के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, संगीत भी होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी बच्चों को पारंगत बनाना है, नृत्य भी सिखाता है जो हमारे सांस्कृतिक नृत्य है, भरतनाट्यम, ठीक है, कथक है, दृश्य कला नाटक भी होना चाहिए, नाटक करवाना चाहिए जिससे बच्चे देखें कुछ सीखें, ठीक है, उसी में कोई भगत सिंह बन जाए, कोई गांधी जी बन जाए, इससे बच्चों के जीवनी में क्या हुआ, साक्षात देख के सीखने को मिलेगा, ठीक है। योग और शारीरिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में अपना योगदान करती है, देखिए, और उसके साथ ही बच्चों में क्या करना चाहिए, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी करना चाहिए, मानसिक विकास भी करना चाहिए, वो भी किसके द्वारा, योग भी करवाना चाहिए, उसको भी पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए। अतः पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य को लेकर समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, देखिए हेल्थ को भी लेकर दृष्टिकोण अपनाना है, ये नहीं कि हेल्थ को इग्नोर करना है। इसीलिए देखिए हमारा जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट अपनाया गया जो 17 हुआ है, तो उसको 2030 तक क्या करना, कंप्लीट करना है। तो उसमें फर्स्ट पर किस पर ध्यान दिया गया है कि सबसे पहले तो क्या करना है भाई, मतलब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले गरीबी को मिटा देना है, ठीक है,
गरीबी को मिटाना बहुत ज़रूरी है, फिर आपको मतलब भूखमरी को भी मिटा देना है, फिर क्या करना है क्लीन वाटर भी देना है, फिर आपको हेल्थ सुविधाएं भी देना है, क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, हेल्थ नहीं रहेगा तो वेल्थ का कोई काम ही नहीं है। आपके पास सोना चांदी महल सब हो, वेल्थ अच्छा नहीं हो तो फिर सोना चांदी अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा पैसा कम ही रहे लेकिन हेल्थ अच्छा रहे तो सब चीज़ अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हमारे लिए हेल्थ क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमारे क्या करना चाहिए पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि हम अपने हेल्थ पर कैसे ध्यान देंगे। अब देखिए सिक्स नंबर में कार्य और शिक्षा है, क्या है कार्य और शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन। ठीक है, यानी वर्क और एजुकेशन को भी शामिल करना चाहिए। कार्य के द्वारा व्यक्ति समाज में अपना स्थान बना पाता है। देखिए आलसी व्यक्ति कोई स्थान बनाएगा नहीं बनाएगा, जो भी इतिहास के पन्नों में भी किसका नाम लिखा गया है, जो स्ट्रगल किया है, जो कार्य किया है, जो उपलब्धियाँ प्राप्त किया है, ऐसा कोई बेकार इंसान का नाम है जो बस खा कर सोया रहता था वैसा लोग का रहेगा नहीं। इसीलिए कार्य के द्वारा व्यक्ति समाज में अपना स्थान बना पाता है तथा समाज में स्वयं को मूल्यवान भी बना पाता है। तो कोई भी व्यक्ति हो समाज में अपने वर्क के द्वारा ही अपनी आइडेंटिटी बना पाता है। ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या होता है, हर कोई अपना कार्य करता है, जो केवल आलसी रहेगा तो क्या अपना आइडेंटिटी बना पाएगा, और वो कार्य द्वारा ही क्या करता है स्वयं को मूल्यवान भी घोषित कर पाता है। यदि कार्य को स्कूली पाठ्यचर्या का अभिन्न हिस्सा बना दिया जाए तो कई तरह के लाभ अर्जित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो करिकुलम होना चाहिए उसमें कार्य को भी शामिल करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही पूजा है, तो कर्म करना कहाँ से सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए एक छोटा बच्चा है 3 साल का बच्चा है उसी समय से गार्जियन क्या कर रहा है स्कूल में रख दे रहा है। तो स्कूल का क्या होना चाहिए, परिवेश का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पर, ये जो बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है तो इसके लिए स्कूल का भी जिम्मेवारी है कि इतना बेस्ट इतना मजबूत करिकुलम हो, मतलब करिकुलम निर्माताओं की जिम्मेवारी है कि उसमें बस पढ़ाई लिखाई नहीं होना चाहिए, योग भी होना चाहिए, कार्य भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। इस बात को बार बार गांधी जी भी बोला करते थे कि बच्चों को बस पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रखना है, उन्होंने भी पाठ्य पुस्तक का विरोध किया था। उनका भी कहना था कि बच्चों को केवल लिखना ही नहीं सिखाना है बल्कि उनको बोलना और समाज में कैसे जीना है, वास्तविक जीवन जीना भी सिखाना है, प्रोफेशनल शिक्षा भी उनको देना है। ठीक है, ऐसा मानना विवेकानंद का भी था। ठीक है, यही कारण है कि महात्मा गांधी ने भी कला केंद्रित शिक्षा की वकालत की थी, उन्होंने भी कला की वकालत की थी। ठीक है, मुदालियोर आयोग, देखिए मुदालियोर आयोग जो था 1952 से 1953 माना जाता है, ने भी हर छात्र के हेतु कला विषय कौन सा की, देखिए जो हमारा मुदालियोर आयोग 1952 से 1953 में आया था यानी कोठारी के बाद आया था, शिक्षा आयोग के बाद आया था, सबसे पहले तो राधा कृष्णन आयोग आया। ठीक है, तो ये भी जो आया ना, मतलब देखिए सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग आया, फिर आपको मुदालियोर आयोग आया और थर्ड नंबर पे आएगा आपको शिक्षा आयोग। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, कला की अनुशंसा की थी। ठीक है, विषय की अनुशंसा की थी ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो वह इसके द्वारा अपनी जीविका चला सके। देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं साथ ही उनको क्या करना है, व्यावसायिक शिक्षा भी देना है कि अगर मानिए कि कोई बच्चा अपने फैमिली में बड़ा है पढ़ रहा है, अगर बीच ही में उसके पिताजी का देहांत हो जाता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कुछ कला भी होना चाहिए जिससे अपनी जीविका भी वो चला सके। ठीक है, तो अब इस प्रकार देखिए इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या था, आज का क्वेश्चन था कि किस प्रकार के ज्ञानों का समावेशन विद्यालय पाठ्यचर्या में होना चाहिए, किस प्रकार के ज्ञानों का समावेशन हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में होना चाहिए, उसी को हम लोग आज मतलब समझे हैं कि हमारे जो विद्यालय पाठ्यचर्या में ऐसे ज्ञानों का समावेशन होना चाहिए कि बस वो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना रहे बल्कि हमारे समस्या समाधान में भी काम आए, हमारे वास्तविक जीवन में भी काम आए। तो मतलब मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस की, ये सारी पाठ्य पुस्तक की शिक्षाएँ तो देनी ही है, लैंग्वेज की सारी देनी है, साथ साथ क्या करना है कला संगीत की भी शिक्षा देनी है और कार्य में एजुकेशन की भी शिक्षा देनी है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो थैंक यू, इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोर्स 9 पढ़ेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि जो कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम, 12-13 क्वेश्चंस है, उसको वीडियो में देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो इस साल के लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। अब कोर्स 9 का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोर्स 9 देखेंगे। तो इस प्रकार मैं अंततः अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।